सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं बियंड द स्काई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो मेरी गाड़ी से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिलेटेड है इससे, ये जो पीछे स्कूटी खड़ी है, ठीक है। तो ये एक्टिवा 6G है, तो आज इसका क्विक रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप उससे पहले एक काम करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़। सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट लुक्स की, तो आपको इसमें LED हेडलाइट मिल जाती है। देखो, चलाऊंगा मैं, पूरी LED है भाई, कोई भी इसमें हेलोजन वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। देखने में भाई मस्त लगती है ये रात में, ठीक है। और इसका थ्रो भाई मस्त है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, ये इसका मैट ब्लैक कलर है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो इसके आप रिम्स देखो, ये आपको 12 इंच के मिलते हैं, एक्टिवा 5G से ये बड़े मिलते हैं। और इसका जो सस्पेंशन है ना, वो भी अपग्रेडेड है। एक्टिवा 5G से आपको इसमें अच्छा सस्पेंशन मिलेगा, क्योंकि उसमें भाई जर्क ज़्यादा फील होते हैं, बट मैंने इसको चला के देखा है, इसका सस्पेंशन बहुत स्मूथ है। इसके बाद अगर आप इसके साइड मिरर्स देखोगे तो भाई ये भी, मतलब इनकी जो डिज़ाइन है वो पहले से बहुत बढ़िया कर दी गई है, ठीक है। मतलब एक्टिवा 5G से तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शायद मैं अपनी 5G में भी इनको डलवाऊंगा आगे चल के, अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट शायद डलवाऊंगा। देखने में मेरे को उससे तो भाई बहुत बेटर लगते हैं, इनका जो शेप दिया है ना, ये ऐसा तिकोना सा, वो देखने में बड़ा मस्त लगता है। अगर एक और चीज़ आपको बताऊं तो एक्टिवा 5G में आपने देखा होगा, ये आपको पार्ट रबड़ का मिलता है, बट ये पूरा इसमें सॉलिड है, ठीक है। एक्टिवा 5G में इसके नीचे स्क्रूज मिलते हैं, बट ये भाई पूरा ऐसे सॉलिड करके रखा हुआ है। उसके बाद ये पास लाइट देखो, तो आप इसको अगर आपको दिख रहा होंगे तो ऐसे पास लाइट काम करती है। ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम और ये पास लाइट, ठीक है, मस्त है भाई। ये भी, ये इंडिकेटर तो इसमें नॉर्मली दिए हुए, इसका ऐसा हॉर्न दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी स्विच वगैरह नहीं मिलेगा। इसके बाद नीचे चलोगे तो अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहीं से आप सीट ओपन कर सकते हो, यहीं पे फ्यूल ओपन कर, फ्यूल की लेड ओपन कर सकते हो। तो ऊपर करोगे तो फ्यूल लेड ओपन होगी, नीचे करोगे तो सीट ओपन होगी, ऐसा इसका कोई सिस्टम है। और 5G के जैसा ही है, बस ये फ्यूल वाला एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली आता है फ्यूल का, अंदर डिग्गी वगैरह नहीं खोलनी पड़ती उसके लिए। आपको इसके स्पीडोमीटर में एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, अगर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊँ तो इसमें इंजन लाइट का ऑप्शन दे रखा है। इंजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो ये आपको बता देगी स्कूटी। साइड प्रोफाइल से कुछ ये ऐसी दिखती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इसका टेल लाइट्स भी थोड़े चेंज है। एक्टिवा 6G की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। और अगर पीछे आए तो मैंने ये खोल दिया था अभी, देखो मैं आपको दिखाऊँ, इसको आप यहाँ पे सीट पहले उस पर करके इसको ऊपर करोगे तो ये आपकी फ्यूल लेड ओपन हो गई, ठीक है। ये फ्यूल लेड, यहाँ से आप अपना फ्यूल भरवा सकते हो आराम से। तो ये भैया एक, मतलब मस्त फीचर दे दिया इसमें। और उसके बाद अगर आपको सीट ओपन करनी है तो इसको नीचे करोगे तो एक्टिवा 5G की तरह ये अपना नॉर्मली खुल जाएगा। इसका जो वो है, मतलब स्पेस, वो भाई बढ़ाया तो नहीं गया 5G जितना ही लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पे बढ़ा तो सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया, बट ठीक है, क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर पीछे आओ तो आपको टेल लाइट का डिज़ाइन भी अलग दिखेगा, बट इसमें कोई LED वगैरह नहीं, नॉर्मल वो जो हेलोजन आता है वही है। अब अगर इसका भी कुछ डिज़ाइन देखो ना, तो एक्टिवा 5G से आपको ये चेंज मिलेगा, और स्पोर्टी कर दी गई है, देखने में मस्त लग रहा है इसका भी डिज़ाइन, ये पूरा स्पोर्टीनेस बढ़ाई है स्कूटी में। मेरे को लगता है कि ये बैठने का जो एरिया है ना, इसको भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया पहले से, ज़्यादा लग रहा है मेरे को एक्टिवा 5G से। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो आपको ये एंड बार के प्रोटेक्शन भी डाल के दे दिए इस बार। ये देखो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ये मतलब अगर स्कूटी गिरती है तो हैंडल पे मतलब कोई वो नहीं आएगा, ये झेल लेगा पूरा। तो यही भाई कुछ मेरे को डिटेल्स देनी थी स्कूटी की। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुमन क्यों हो, ओ बलमा क्यों, ओ तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाच नचा दे, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। भिजवा दे दिए कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात राय, तेरी याद सताए रात राय। How could you leave, 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 दिन तेरे किड़ दा, दा, दा। How could you leave, दिन तेरे किड़ दा। How could you leave, 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 दिन तेरे किड़ दा, दा, दा।